सिद्धार्थ मल्होत्रा ने प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म में डेब्यू करने से किया था मना। एक समय ऐसा था जब सिद्धार्थ की चप्पलों से पिटाई हुई थी। नेपोटिज्म की बहस के बीच सिद्धार्थ ने क्लियर किया, किसी अंकल या आंटी ने नहीं की थी बॉलीवुड में मेरी पैरवी। मॉडलिंग की दुनिया का मशहूर चेहरा रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा आज बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने अभिनय का दम दिखा चुके हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर आए दिन खूब सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इनकी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रही है। अर्ली लाइफ। सिद्धार्थ मल्होत्रा का जन्म दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई भी दिल्ली से ही की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग करने का फैसला किया। बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले सिद्धार्थ ने कई सालों तक मॉडलिंग की। सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में अपने एकेडमिक्स को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया कि वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे और उनके घर वालों को लगता था कि वो फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया था कि वो स्कूली दिनों में पढ़ने में बहुत कमजोर थे और क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से है तो उनके घर में पढ़ाई को बहुत अहमियत दी जाती है। Once upon a time, एक समय ऐसा था जब सिद्धार्थ की माँ ने उनकी चप्पलों से पिटाई की थी। सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब वो 9th स्टैंडर्ड में थे तब वो फेल हो गए थे, जिसके बाद उनकी माँ ने उन्हें चप्पल से पीटा था। लेकिन उम्र के साथ साथ उन्होंने अपने हुनर को समझा और उन्हें मॉडलिंग और फिल्म करियर को चुन लिया और आज उनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। एंट्री इन बॉलीवुड। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सिद्धार्थ रजत टोकस के साथ सीरियल पृथ्वीराज चौहान में भी काम किया था। हालांकि सीरियल से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए काफी स्ट्रगल किया है। क्योंकि उन्हें करण जौहर ने बॉलीवुड में लॉन्च किया है, शायद इसीलिए उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो भी नेपोटिज्म का ही प्रोडक्ट है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। बॉम्बे टाइम्स से हुई एक बातचीत के दौरान दिलवालों की दिल्ली से आए सिड ने बताया, मेरा कैमरे के सामने एक्टिंग का एक्सपीरियंस जीरो था और किसी भी अंकल या आंटी ने मेरी कोई पैरवी नहीं की है, तो मैंने जो कुछ भी सीखा है अपनी गलतियों से सीखा है। मैं पॉकेट मनी के जुगाड़ के लिए मॉडलिंग किया करता था, फिर मैं इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। इसके बाद उस दौरान सेट पर लगभग सारे काम किए, लेकिन तब मुझे लगा कि ये मेरी शुरुआत है। दिल्ली से मुंबई तक पहुँचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, कई घर बदलना, फैमिली से दूर रहना बहुत काफी मुश्किल रहा। मुझे मलाड ईस्ट से बैंड्रा तक आने में कई साल लग गए। मैं पिछले 10 सालों से मुंबई में रहा हूँ। बॉलीवुड में पाव जमाना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ फ्लॉप फिल्में एक स्टार को बहुत पीछे ले जा सकती है। इस बारे में सिद्धार्थ ने कहा, आपको चलते रहना होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी कुछ कर पाया हूँ। मेरा सबसे बेहतर आना अभी बाकी है। साथ ही मेरे बारे में जो कुछ भी लिखा जाता है मैं उसे प्रभावित नहीं होता हूँ। मैं इसके बजाय ट्रैवलिंग, खेल, वर्कआउट, घुड़सवारी और मेरे दोस्तों के साथ मस्ती करता हूँ, जिससे मुझे सामान्य होने का एहसास होता रहता है। यदि कोई कहीं उलझा हुआ है तो मैं उनसे घंटों बातचीत कर सकता हूँ। सिद्धार्थ व्यूज ऑन नेपोटिज्म। नहीं यार, मैं प्राइम एग्जांपल हूँ। मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं खुद यहाँ से किसी इंडस्ट्री के कोई रिश्ता मेरा नहीं है और मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम अभी मतलब हिंदी इंडस्ट्री तो मेरे नज़रिए से गलत होगा, बट या आई थिंक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है टू कम फ्रॉम थिएटर। यहाँ पे आके आप परफॉर्म करिए खिड़कियाँ में, मुकेश छाबड़ा के साथ काम करिए, आपको कास्ट करेगा शायद। सो वॉच आउट एंड आई थिंक कुछ भी हो सकता है, मैं प्राइम एग्जांपल फॉर दैट। सिद्धार्थ फिल्म में प्रियंका चोपड़ा एंड कंगना रनौत। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ग्लोबल सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस और कंगना रनौत के साथ एक फिल्म में काम करने वाले थे। फिल्म का नाम है फैशन, लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी। रिपोर्टेडली उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था। कहा जाता है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर से पहले प्रियंका चोपड़ा की फिल्म फैशन में सिद्धार्थ को प्रियंका के साथ कास्ट किया जाना था,
लेकिन एक मशहूर फैशन मैगजीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट के कारण सिद्धार्थ वो प्रोजेक्ट नहीं ले सके। सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं थी, वो किसी और फिल्म में सिलेक्ट हुए थे जो कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। हिंदी रश वेबसाइट से खास बातचीत में सिद्धार्थ कहते हैं कि मुंबई के शुरुआत के दिनों में स्टूडेंट ऑफ द ईयर उनकी पहली फिल्म नहीं थी। सिद्धार्थ ने कहा, मेरे मॉडलिंग करियर के दौरान मेरा एक दिल्ली में ऑडिशन हुआ था जिन्होंने मुझे मुंबई में बुलाया था। मैंने 6 महीने तक इंतजार किया था। शुरुआत के दिनों में मैं उनके ऑफिस में रहता था, मुझे सोफे पर सोना पड़ता था। वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई और मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी। उसके बाद मेरा असल स्ट्रगल शुरू हुआ था। वेल, सिद्धार्थ की जर्नी उन तमाम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं और इसमें अपना फ्यूचर देखते हैं। सिद्धार्थ ने ये साबित किया है कि रास्ते में मुश्किलें चाहे जितने भी हो, पर इरादा पक्का होना चाहिए, तभी सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। इनके लाइफ जर्नी पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? क्या आप सिद्धार्थ को पसंद करते हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।